नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ड्रिल मशीन स्टैंड की अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये मैंने अमेजोन से लिया है ऑनलाइन में, करीब 1,200 तक पड़ा है। तो ये देखिए, बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव कलर, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग। और ये कंपनी का नाम है चेस्टन। चेस्टन यहाँ की नहीं है, चाइनी की है। इसके अंदर ये देखो बेस स्टैंड, ये पाइप जहाँ पर वो बॉडी लगता है, और ये वो वॉशर, इसके साथ एलिंग की भी होता है, और फिर ये उसकी जो मेन बॉडी है जहाँ पर हम ड्रिल मशीन फिट करते हैं। ये देखो, ये ऐसे हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, और एलन की से ये हम टाइट करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर ये है, ये देखिए, ये स्टॉपर है। स्टॉपर इसके लिए लगाया जाता है क्योंकि उस पॉइंट से पूरे मेन बॉडी नीचे ना जाए, उसको हम एक लिमिट तक आने के लिए हम लोग ये करते हैं। ये ऊपर से मैंने टाइट कर दिया, अब फिट हुआ है। ये इस तरह मुंह होता है। आप जो हैंडल बार दिखते हैं, आप हैंडल बार को जस्ट नीचे जाना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है डेप्थ गेज, गहराई का माप। हैंडल को प्रेस करते हैं तो ये इसमें ड्रिल बिट कितने नीचे तक वो ड्रिल किया है। हम डेमो स्टार्ट करते हैं। कॉलर अगर छोटा होगा तो वॉशर है, उसके साथ वो वॉशर दिया जाता है। ये काम करने बहुत आसान है, ज्यादा दम नहीं लगता है, एफर्टलेस है, और अच्छी तरह ड्रिल करता है। लकड़ी में तो बहुत आसानी से होता है, मेटल के बहुत अच्छा है, पर यहां पर जरा सा एक स्लिप प्रॉब्लम है, मैं आपको बाद में समझा देता हूं। वो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसके लिए जरा जल्दी वो मैं आपको दिखा दिया। तो देखते हैं गुण और अवगुण। ये यहाँ पर होल मारा एक्सैक्टली ऑपोजिट दिया था। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस और ये देखो, ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं एज में मारा, वैसे ही इसके ऑपोजिट में भी एज में होना चाहिए। ये देखो, इसके ऑपोजिट एकदम एज में आ गया। तो इसका मतलब ये बोलना है कि ये जब हमने ड्रिल मारता हूँ, एक साइड 90 होके जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ आड़ा टेढ़ा होता है। लोखन ड्रिल करने के लिए प्रयास कम लगता है। कस के घुमाऊं तो भी ये हिलता है। ये देखिए, इसकी बॉडी पाइप के साथ ज्यादा मजबूती नहीं है, ये देखो हिलता है। इस वजह से ये मेटल जो ड्रिल बिट है वो लोखंड लोखंड के ऊपर से स्लिप होता है। ये देखिए। सो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा विश्लेषण इस ड्रिल मशीन स्टैंड के बारे में। होप आपको ये फायदेमंद होगा। थैंक यू, धन्यवाद।